कोणार्क अपना शहर अपनी बात। शिवसेना छोड़कर अन्य पार्टियों में जाने का ताता लगा हुआ है। हाल ही में ये कोशिश की है पूर्व नगर सेवक प्रधान पाटिल ने। प्रधान पाटिलजींना उल्हासनगरच्या शहर अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आलेला आहे। राज्यमंत्री बच्चू कडू साहेबांच्या आदेशानुसार आणि ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख श्री हितेश जाधव यांच्या सांगण्यानुसार प्रधान पाटील यांच्यावरती उल्हासनगर शहर अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे। आणि प्रधान पाटील जींना पूर्ण उल्हासनगरच ओळखतो। गेल्या पूर्वी 2007 ते 2017 या कालावधीमध्ये प्रधान पाटील हे कार्यसम्राट नगरसेवक होते। शिवसेनेमध्ये असताना त्यांनी अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे। त्यांच्या वॉर्डमध्ये देखील त्यांनी चांगले कामं केलेली आहेत। ते राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या विचाराशी सहमत होऊन आणि विचाराशी प्रेरित होऊन आज त्यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि त्यांचे प्रहार जनशक्ती पक्षामध्ये आम्ही स्वागत करतो। पुढील वाटचालीस त्यांना शुभेच्छा देखील देतो। महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्या विचारांना प्रेरित होऊन मी प्रहार जनशक्ती पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे आणि ते गोरगरिबांचे नेते आहेत आणि त्यांच्या विचारांच्या संमतीने मी उल्हासनगर शहरामध्ये शहरप्रमुख पदावरती नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा आभार प्रकट करतो आणि मी प्रहार जनशक्ती पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करेन। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। शिवसेना छोड़कर जाने वालों के लिए क्या है कहना शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी का, आइए सुनते हैं। उल्लासनगर शिवसेना में गुटबाजी जोरों पर है, जिसके चलते सेना में पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 6 महीने पहले बोडारे बंधुओं के खसमखस सुनील पिंपले अपने समर्थक के साथ शिवसेना को जय महाराष्ट्र करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। अब शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी की शाखा के कार्यालय प्रमुख संतोष चौधरी ने भी अपने साथियों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तो अब क्या हुआ कि नौबत पार्टी छोड़ने तक पहुंच गई। इसके पहले भी शहर प्रमुख चौधरी के पैनल से कई सैनिकों ने शिवसेना छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। राजेंद्र चौधरी, जिस प्रकार से आप शिवसेना शहर प्रमुख हैं और जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी शिवसैनिक शाखा प्रमुख जो हैं वो पार्टी छोड़कर एनसीपी में प्रवेश कर रहे हैं, पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या राय है आपकी, क्यों इस तरीके से जो है शिवसैनिक पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2-4 लोग शिवसेना छोड़ के गए उनको हमने विधानसभा चुनाव में किसी ने काम बराबर नहीं किया का, जो भी पार्टी से गद्दारी की ऐसे लोगों को हमने पहले ही पार्टी से निकाल दिया। और कुछ लोग जो कुछ दो तीन लोग हमारे शिवसेना के गए उनके बारे में मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग जो काम करते थे हमारे पास और काम करते करते लोगों का पब्लिक का काम करने लगे, पब्लिक का काम करते करते जो पब्लिक ने काम दिया है वो करने का नहीं, उनसे पैसा लेने का, उनके कागज़ पत्र लेने के, उनका काम करने का नहीं और उनको वो कागज़ पत्र भी देने का नहीं और काम भी करके देने का नहीं, ऐसे कुछ तकरारियाँ या ऐसे कुछ शिकायत हमारे पास आई थी, इसलिए हमने उनको पहले से दूर किया है। गिनकर 2 या 3 लोग हो गए और कोई ऐसा बड़ा नेता शिवसेना का राष्ट्रवादी में गया ऐसा मुझे दिखाओ, एक भी नहीं होगा। वो चिल्लर कार्यकर्ता 2-4 गए तो मुझे नहीं लगता है शिवसैनिक और शिवसेना के कार्यकर्ता जा रहे, वो जाएंगे नहीं। शिवसैनिक कट्टर होता है और शिवसैनिक जो कट्टर है वो कभी शिवसेना छोड़ता नहीं। राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन है, आप स्टेट में ले लीजिए या फिर आप नगर पालिका में ले लीजिए, और इसी तरीके से जो कि राष्ट्रवादी में इस तरीके से प्रवेश हो रहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साथ की पार्टी है और इस तरीके से जो कि कार्य चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका पार्टी का काम कर रहे, हम हमारी पार्टी का काम कर रहे। युति है, युति हो रही है, तो बड़ा कोई हमारा नगर सेवक या कोई नेता या कोई अच्छा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी लेती है तो उनके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। जो गए हैं उनको हमने हकाल दिया है या उनकी गिनती नहीं शिवसेना में, ऐसे 2-3 लोग गए उनके लिए हम लोग ऑब्जेक्शन भी नहीं लेंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।